जानते हो कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? इंडियन आर्मी की वर्दी। देश के गद्दारों को ऊपर वाला भले ही माफ कर दे, लेकिन एक फौजी किसी भी कीमत पे, यहां तक कि अपनी जान की कीमत पे भी उसको कभी माफ नहीं कर सकता। करोड़ों कमाने वाले भी ये वर्दी नहीं कमा सकते। दुनिया के जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बन के बैठे हैं ना, जो जिनको आप टीवी पर सिनेमा में हीरो बने हुए देखते हो, वो भी नहीं है उस वर्दी को कमाने के लायक। क्योंकि वो वर्दी भाई पैसों से नहीं मिलती, वो पैसे में नहीं बिकती। अगर पैसों में बिकती तो हर कोई पहन के घूमता और अपने आप को फौजी बोलता। उस वर्दी को अगर कमाना है ना, तो पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं बनाना उसके लिए, उसके लायक बनना है। अगर उस वर्दी को कमाना है ना, तो खुद की जिंदगी, खुद की माँ की खुशी और अपने बचपन के सभी दोस्तों के साथ को कुर्बानी पे लगाना पड़ेगा। और इस कुर्बानी की हिम्मत जिसमें होती है, वही फौजी बनने के लायक होता है। अगर इस वर्दी को कमाना है ना, तो खुद को हर मोह माया से बाहर निकालकर आग में तपाना है। कितना बड़ा दिल होता है उस माँ का जिसका बेटा या बेटी डिफेंस में होते हैं। कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं उन सब खुश नसीब और हिम्मत वाले युवाओं के लिए जो अपने आप को उस वर्दी में देखना चाहते हैं, कि ये आग जलती है तो जलने दे, ये आग जलती है तो जलने दे, मां अब मुझे तू फौजी बनने दे। जाना है उस जगह, जाना है उस जगह जहां सुना है मन के मौजी बसते हैं, जाना है उस जगह जहां सुना है मन के मौजी बसते हैं। बहुत देख लिए दुनिया, चल अब फौजी बनते हैं। बहुत जीली नाकाम जिंदगी, चल अब देश के लिए कुछ काम करते हैं। फर्जी के रिश्तों में जिंदगी बर्बाद कर डाली, चल अब जिंदगी देश के नाम करते हैं, अब फौजी बनते हैं। ये सरहदें पुकारती मुझको है, ये आतंक की बदबू ललकारती मुझको है। जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना, जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना। मेरी माँ पल्लू में छिपी हंसी तेरी बहुत प्यारी है, मेरी माँ पल्लू में छिपी तेरी हंसी बहुत प्यारी है। जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना, मेरी माँ पल्लू में छिपी हंसी तेरी बहुत प्यारी है, इसलिए मुस्कुराते हुए अपने लाल को गुड बाय कहना। ये मोबाइल के स्टेटस देख देख के थक गया हूँ, बन जाऊं मैं भी एक दिन सबका स्टेटस, खुद के इसी वादे में बंध गया हूँ। माँ के आंचल की खुशबू तो वैसे फीकी होती नहीं कभी, पर उसमें थोड़ी सी मेरी वर्दी की खुशबू भी मिला दूं ना, तो दोनों जहां यहीं मिल जाएंगे मुझे। और अगली दो लाइन उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं जिनको लगता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो भाई कान खोल कर सुनो मेरी बात। बेवफाओं की इस दुनिया में हम कभी वफा ढूंढते थे, ये एक फौजी की तरफ से लाइंस आपके लिए, कि बेवफाओं की इस दुनिया में हम कभी वफा ढूंढते थे, बड़े नासमझ थे जो रेगिस्तान में कमल ढूंढते थे। अरे बेवफा तुम्हारे लिए हम मरने का वादा करते थे ना, अरे बेवफा तुम्हारे लिए हम मरने का वादा करते थे ना, लेकिन सुन इस वर्दी के लिए तो बार बार पैदा होकर मरने का मन करता है। और जो युवा ये बोलते हैं ना कि मेरी तो लाइफ में यार बहुत समस्या है, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, तो उनको केवल दो लाइन में मैं समझा दूंगा कि भाई कि तुम्हारा दुख ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा है यार। कि हमने समंदर को भी सूखते देखा है, हमने समंदर को भी सूखते देखा है, जब जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतार के रखा है। जिंदगी में समस्या किसके पास नहीं है, पर एक वो इंसान भी है जो फौजी की वर्दी में हर समस्या का सामना करके अपना फर्ज निभाता है, लेकिन फिर भी रोता नहीं है, मुस्कुराता है। वो फौजी जो हर बार छुट्टी से वापस आते समय यही बोल के आता है कि जल्दी फिर लौट के आऊंगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता, उसको खुद को भी नहीं पता होता कि वो फिर जल्दी कब आने वाला है ना हिम्मत, है ना हिम्मत। मैं जीत फिक्स के मंच से उन सभी फौजी भाइयों को सलाम करता हूं और उन पोटेंशियल यूथ को मोटिवेट करना चाहता हूं जो फौज में भर्ती होने का सपना अपने मन में ठान चुके हैं, क्योंकि दुनिया में देश का नाम करने का इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। मैं सैल्यूट मारता हूं फौजियों को जो एकमात्र रियल हीरो हैं इस कंट्री के। फौजी एक तरह के हीरो नहीं है, वो एकमात्र रियल हीरो हैं। सैल्यूट, जय हिंद, वंदे मातरम।